कई सारे सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं और स्पेशली उनके स्टाइल को काफ़ी फॉलो करते हैं, किसने क्या पहना, कैसे पहना, और हर एक सेलिब्रिटी के पीछे होता है एक स्टाइलिस्ट जो उन्हें बताता है कि उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। और ऐसे एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हमारे साथ है, शी इज़ लिपाक्षी, जिन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल किया है, चाहे वो सैफ अली खान हो, या फिर आयुष्मान खुराना हो, या फिर अक्षय कुमार हो, या फिर रानी मुखर्जी हो, या फिर करीना कपूर हो। So many names, but one stylist behind that. So, हमारे साथ लिपाक्षी है. Welcome. How are you? Very well. So, सबसे पहले तो लिपाक्षी, we would love to know about your journey and how many artists you have styled till now. So, I've styled many artists. I can just say many because I don't even remember how many. Luckily, I would say कि बहुत सारे artists के साथ मैंने काम किया. I've been lucky कि मुझे इतने सारे artists के साथ काम करने का मौका मिला. एक चीज़ मैंने आजकल नोटिस की है कि बहुत सारे स्टाइलिस्ट एक सेलिब्रिटी के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट बन जाते हैं, बट आई थिंक वो मुझे शुरू से ही क्लियर था कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि फिर आप बहुत कुछ बहुत सारी पर्सनालिटीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड देन आपका जॉब उतना मोनोटोनस या बोरिंग नहीं होता. सो आई लाइक वर्किंग विद मैनी पीपल एंड आई कैन से कि मैंने बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया एंड आई हैव बीन वेरी लकी एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतने लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. यू हैव डन सो मैनी फिल्म्स जिसकी स्टाइलिंग आपने की है, चाहे वो सुल्तान हो या फिर साहू हो, अभी रिसेंटली बंटी और बबली 2 यू आर डूइंग, एंड देन देयर इज़ वन मोर टू मोर फिल्म्स कमिंग, राम सेतु और अक्षय कुमार यू आर डूइंग, सो ओ माई गॉड 2 ऑल्सो यू आर डूइंग. तो इतनी सारी फिल्में और जब स्टाइलिंग की बात होती है तो वो कौन सी चीज़ें जिस पर ध्यान देना होता है? लेट्स स्टार्ट विद बंटी और बबली, क्योंकि हमने फर्स्ट बंटी बबली देखी है और इस बार रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान है, तो किस तरह से उनका स्टाइलिंग हुआ है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो होती है स्क्रिप्ट, कि व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट लाइक, और वो स्क्रिप्ट इतनी एक्साइटिंग थी कि आई वुड से कि आई हैव बीन वेरी लकी दैट आदि सर एंड वरुण हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ने मुझे चांस दिया, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स, इतने उनके फेजेस, इतने लुक्स, और फॉर दैट टू डू इट वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग कि किसी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को एक ही फिल्म में इतना मौका और इतने कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं. एंड आई हैव डन द होल फिल्म राइट फ्रॉम यू नो सेकेंडरी टू बैकग्राउंड टू एवरीथिंग, तो उसमें इतना डेप्थ और इतना एक्साइटमेंट था उस प्रोजेक्ट में कि एक्चुअली मैंने 1.5 साल तक और कोई फिल्म ही नहीं की एंड आई वॉज वर्किंग ओनली ऑन दिस, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है. शर्वरी वाक का लॉन्च था, सिद्धांत की पहली फिल्म थी यशराज के साथ, एंड यशराज ऑलवेज प्रेजेंट्स देयर यू नो स्टार इन अ वेरी डिफरेंट वे, इट इज़ कॉल्ड द यशराज वे ऑफ प्रेजेंटिंग. और रानी मैम एंड सैफ सर वापस हम दुम के बाद, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू लाइक ब्रिंग ईच कैरेक्टर ऑन द टेबल टुगेदर एंड ऑल्सो फिर उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एंड मेक देम लुक लाइक अ पार्ट ऑफ वन फिल्म वाज एक्साइटिंग. मिस्टर बच्चन के बाद पंकज जी हैड टेकन द रोल फॉरवर्ड, विच इज़ ऑल्सो वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू ट्रांसफॉर्म दैट, कि मिस्टर बच्चन के बाद कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाए टू पंकज जी. सो आई वुड से कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा. एक फेज़ ऑफ द फिल्म है कि वो फुर्सतगंज में है, रानी मैम एंड सैफ सर, और उसके बाद वो लोग कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके ईच कॉन लुक में वो क्या क्या बन रहे हैं, फ्रॉम वेट गेन टू वेट लूज, उनको मोटा दिखाया गया, उनको पतला दिखाया गया, उनको हॉट दिखाया गया, ग्लैम दिखाया गया, विद शॉर्ट है देन लॉन्गर है. शर्वरी और सिद्धांत के भी बहुत सारे मल्टीपल लुक्स हैं विच आर गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग फॉर, मुझे भी स्क्रीन पर देख के खैर बहुत प्राउड महसूस होगा दैट वी पुल्ड इट ऑफ एंड माई टीम हैज़ पुल्ड इट ऑफ. सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन राइट नाउ. एज यू मेंशन इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारा प्रेशर और चैलेंज भी होगा टू डू यू नो, क्योंकि जैसे आपने कहा और जैसा हमें पता है बंटी बबली में कई सारे कॉन्स कैरेक्टर दे प्लेड, तो कितना चैलेंज रहा है और कितना हैमर हुआ है आपके सर पे? आई थिंक आई वुड से हैमर फ्रॉम डे 1 टू डे 10 टिल यू डोंट सी दैट ऑन द ट्रेलर, और जब तक आप
आपके सामने वो फिल्म बन के खड़ी नहीं हो जाती तब तक वो हैमरिंग चलता रहता है। और मैं पर्सनली भी अपने काम के बारे में काफ़ी सेल्फ क्रिटिकल हूँ और मुझे लगता है कि अरे ये बेटर हो सकता था। मैं अपनी टीम को काम हो जाने के बाद भी बोलती रहती हूँ इसमें हम थोड़ा बेटर कर सकते थे, इसमें शायद हम ये कर सकते थे। तो मेरी टीम भी मुझसे आई थिंक काफ़ी परेशान हो जाती है कभी कभी कि अब छोड़ दो, बहुत अच्छा है, यू कैन ऑल्सो प्रेज योर सेल्फ फॉर अ चेंज। बट आई वुड से बहुत प्रेशर तो था ही, ऑल्सो एक सेल्फ प्रेशर भी होता है क्योंकि रानी मैम हैं एंड यू नो आदि सर आस्क मी ट्वाइस की तू कर लेगी ना, तो दैट वे ऑफ कोर्स आई फेल्ट द प्रेशर दैट आई नीडेड टू डिलीवर मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी। एंड आई वुड से कि मैंने बहुत बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा करूँ, जैसी फिल्म लग रही है इस हिसाब से आई कैन से कि आई एम हैप्पी, लाइक आई वुड से कि इट लुक्स the way I wanted it to look and I feel happy about it. ट्रेलर तो हम सब ने देखा ही है, जिसे देख के हमें तो बड़ा मज़ा आया है। अक्सर हम कहानी की किरदारों की बातें करते हैं लेकिन जब बात स्टाइलिंग की होती है तो हर एक किरदार को एक कॉस्ट्यूम होता है जो बनाता है, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जब बात होती है कॉस्ट्यूम डिसाइड करने की, सो हु प्लेज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम यू, लाइक कौन बोलता है ये सही है ये गलत है, या कभी ऐसा हुआ कि आप लेके गए एक्साइटमेंट मैन आर्टिस्ट है मैं नहीं पहनूंगा या पहनूंगी? बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है। एंड आई वुड से कि फिल्म में तो इट्स अ मैरिज ऑफ सो मैनी थिंग्स। सबसे पहले आपको कुछ पसंद आता है एज अ स्टाइलिस्ट, आपने वो कपड़ा उठाया, उसके बाद आप अपने डायरेक्टर के पास लेके जाते हैं कि अरे आपको पसंद आया क्या, उसके बाद आप आर्टिस्ट के पास लेके जाते हैं आपको पसंद आया क्या, अब डायरेक्टर आर्टिस्ट और आपका खुद का और फिर प्रोड्यूसर विच इज़ आदि सर टेक्स अ फाइनल कॉल कि ओके दिस इज़ अप्रूव्ड। सो आउट ऑफ 20 चॉइसेस समटाइम्स योर फेवरेट चॉइसेस नहीं अप्रूव होती और कभी कभी आप उनको पुश करते हैं। तो मेरी बहुत आदत है कि मैं इसीलिए आई लाइक कि मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पे आई कैन वॉइस इट कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स नॉट गो विद दिस। सो आई फाइट टिल माय लास्ट ब्रेथ कि नहीं ऐसा नहीं करते। कभी कभी यू सक्सीड बट ऑल्सो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है जब आपसे एक सीनियर प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कट करिए या इसको ऐसे ग्लैम दिखाइए, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उन्होंने इतने स्टार्स खड़े किए हैं कि आप भी जब स्क्रीन पे उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आई थिंक ही वॉज राइट, ये दिस टर्नड आउट जो उनके दिमाग में विजुअल था दैट काइंड ऑफ टर्नड आउट। सो आई वुड से कि ये ना बहुत चीज़ों का एक मिलाप होता है फिल्म, जिसमें आपके एस्थेटिक्स डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूसर का विजन नीड्स टू कम टुगेदर। And Lipakshi, you worked with many ace directors, many ace artists, all A-listers I should say. So it is a kind of a challenge also ki har kisi ko kuch alag dena hai. You just cannot copy, you just cannot, you know, give this to that also or her also or him also. So this how you manage to do? I actually don't know how we all costume designers manage to do that. But I feel it's presence of mind and it's your passion which drives this. I feel that films jo banti hain wo purely or just sheer passion pe banti hain. Hum wahi films bana rahe hain, stories bhi wahi hain, bahut sare actors bhi wahi hain, but har baar kuch nayapan lane ke liye aap bas lag jate hain ki isme main kya kar sakti hu, isme main kya kar sakti hu, how can I break this, how can I make this. Kabhi kabhi artist nahi manta kyunki everybody is comfortable jo unhone pehle kiya hua hai, hair style ko leke, makeup ko leke, kapde cuts ko leke, but I think it is your conviction ki aap kahan tak comfortable hoke apne artist ko mana sakte hain ya apne producer aur director ko convince kar sakte hain ki ye bahut acha hai. Kabhi kabhi wo experiments fail bhi ho jate hain, I would say ki kabhi kabhi आपको लगता है कि ये ट्राई नहीं करना चाहिए था, बट जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ नया निकल के आएगा ही नहीं। तो कभी लिपाक्षी के साथ ऐसा हुआ है कि यू गॉट ट्रोल्ड कि ये ड्रेस तो तुमने वहाँ भी दी थी यहाँ भी दी थी? ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई ड्रेस रिपीट की हो, बट येस आई हैव बीन ट्रोल्ड। आई बीन ट्रोल्ड फॉर आई विल नॉट नेम द एक्टर, बट आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शायद मेरी ही गलती रही होगी, क्योंकि उनको जो ड्रेस दिया गया था वो बहुत ही रिस्की ड्रेस था, बट वो एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर से आया था एंड आई थॉट कि जिनको मैं ड्रेस कर रही थी वो दे वुड हैव कम्प्लीटली बीन लाइक वुड हैव जस्टिफाइड
वो जैसी लगती हैं उसमें, बट वो रेड कार्पेट पे जाते जाते ही उनको शायद 4 घंटे हो गए पहुंचने में, और तब तक वो ड्रेस का टेप खुल गया, उनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा वोन आउट लगने लगा, मेकअप बह गया, इतनी गर्मी थी कि फाइनल पिक्चर जब आया तो पीपल वर लाइक डिजास्टर. या सो आई बीन ट्रोल्ड एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. मे बी वी शुड हैव फिगर्ड बाकी लॉजिस्टिक्स कि कहाँ हो रहा है, क्या टेम्परेचर है, makeup, all of that we should have, but yeah, I learn, I would never do that again, so. That was a learning for you. I take every failure as my learning, I take that in my stride. So you work with many, but from where you started, like, aapki journey ki baat karein to Lipakshi kahan se aayi hai? मैं मुझे पता ही नहीं एक्चुअली, मैं अब इतनी जगह की हो चुकी हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता, बट आई वॉज बॉर्न इन हरियाणा. मैंने इनिशियली पढ़ाई वहाँ की, उसके बाद आई वॉन्ट टू स्टडी डिज़ाइन, विच वॉज एन एलियन कॉन्सेप्ट बिकॉज माई पेरेंट्स वर प्रोफेसर्स, तो उनको लगा डिज़ाइन क्या होता है, यू नो, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो. सो आई वेंट टू स्टडी मेडिसिन, बट आई जस्ट रियलाइज कि वो मेरे लिए नहीं है, और मैंने लड़ झगड़ के निफ्ट का एग्ज़ाम दिया और मैं निकल गई. उसके बाद मैं इंग्लैंड चले गई मोर पढ़ाई करने के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ से एक फैसिनेशन तो मुझे हमेशा से था कि मुझे फिल्म्स में काम करना है, और हिंदी मूवीज़ स्पेसिफिकली, बिकॉज इट वाज नॉट अ फैसिनेशन टुवर्ड्स द एक्टर्स, जो मैं अभी भी नहीं फील करती हूँ. आई एम जस्ट कंफर्टेबल फ्रॉम द मिनट आई मीट अ न्यू एक्टर, बट ऑफकोर्स द फिल्म मेकिंग प्रोसेस एंड द फिल्म स्टोरीज बीइंग टोल्ड हियर ऑलवेज फैसिनेटेड मी, इसीलिए मुझे पता था. और जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, आई टोल्ड माय मदर कि मुझे बॉम्बे में काम करना है, विच वाज शॉकिंग फॉर देम बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टिपिकल प्रोफेसर बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड. दे वर अ बिट टेकन अबैक कि वॉट डज दैट इवन मीन. सो अगेन माई स्ट्रगल स्टार्टेड, बट आई बीन वेरी लकी आई वुड से कि मेरा पहला आते ही प्रोजेक्ट was with Mr. Bachchan. Yeah, and because mera thoda experience tha London se, to jis film pe hum kaam kar rahe the usme wo thoda kaam aaya aur sir ko mera kaam pasand aaya, so you know I worked a little more with him after that as well. So it has been, and since then no looking back for me. I don't think mujhe kabhi aisa laga ki oh shit mere paas agar काम नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, बट इट्स अ बिलीफ दैट आई हैड वेरी स्ट्रॉन्गली कि दिस इज़ वेर आई बिलोंग एंड दिस इज़ वेर आई एम गोइंग टू बी. एंड आई एम श्योर कि जब आपने बच्चन साहब के साथ काम किया होगा तो योर फैमिली विल बी लाइक जो कर रही है सही कर रही है. बिल्कुल करेक्ट, आई थिंक सब कुछ माफ हो गया उसके बाद. जो कर रही है सही कर रही होगी. Great. So, what do you want to say to all the new designers? Because ऐसे कई सारे you know newcomers होंगे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको follow करते हैं. So, Lipakshi क्या कहोगी उन सबको? Just be true to your instinct. दूसरों की तरफ देख के किसी को copy या किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए. मैं हमेशा से ही I've been myself. I've been fussy about something, and I have been very strong headed about ki mujhe karna kya hai, and what drives me is not an eventual goal ki mujhe iske sath kaam karna hai ya uske sath kaam karna hai. I think what excites me is har din mere paas naya kaam aata hai aur har din main kya naya kar sakti hu, how can I evolve myself as a designer, as a stylist, main aur kya kya kar sakti hu. So stay true to aapko kya chahiye aur aapko kahan pahunchna hai, and then everything will figure itself out. That's a good message. Well, यहाँ पे हम एक quick rapid fire खेलने वाले हैं. I'll be asking about the actors' styling, कि उनका favorite क्या होता है, क्योंकि Lipakshi ने already कई सारे आपके चहेते कलाकारों को style किया है. So let's start with Bachchan साहब. What is that one thing which you always ask for? Sunglasses. He loves glasses. He loves to wear, and he has like probably the widest collection that I would have seen at any actor's house of watches and glasses, sunglasses. Yeah. Oh, काफी trivia. Really quirky ones. These are not the usual sunglasses, black, blue, white. No, they're really cool and quirky glasses. Great. What about Akshay Kumar? वो अक्षय कुमार को कौन सी एक चीज़ है जो you always feel कि भाई ये देना important है, नहीं तो? I think Akshay sir
is very picky about the fabrics he wears. It has to be pure cotton based comfortable non-pokey fabric, otherwise he's gonna throw it. Okay, Saif Ali Khan, who is said to be the most stylist personality of the Bollywood. Saif, I think Saif sir fussy hai bhi aur nahi bhi, unko aap bahut easily convince bhi kar sakte hain ki unko first look mein kuch nahi pasand aaya, to he'll be a little like a child ki nahi 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 mujhe ye nahi pehna, but aap unhe convince kar sakte hain, aur agar aapke point mein koi point hai to wo aapki baat bhi maan jayenge. He's adorable like that. Rani Mukherjee, wo kafi picky hain about unko kya pehenna hai kya nahi pehenna. उनका एक विजन है अपने बारे में कि वो क्या पहन के अच्छी लगती हैं, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं जब भी वो कुछ भी पहन के निकलती हैं. सो आई थिंक शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल स्टाइलिंग, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट फिट समवेयर इन देयर. साथ ही मैं करीना कपूर, जिसके लिए कहते हैं बे वो द स्टाइलिश दीवा. आई थिंक आई हैव बीन सो लकी, मैंने अभी रिसेंटली उनके साथ काम किया है और वो इतनी स्वीट हैं कि आई हैड नॉट इवन इमेजिन कि वो इतनी ईजी गोइंग और इतनी स्वीट होंगे काम करने के लिए. सो आई थिंक उनको मतलब एग्जैक्टली उनका इतना एक्सपीरियंस है दैट यू ब्रिंग हिम एनीथिंग और उन्हें पता होता है कि ये उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. और अगेन आप थोड़ा सा उनको अगर कन्विंस करने की कोशिश करें, वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही स्वीट हैं to be able to try something new and experimental, and this is why she still date the most versatile actress in terms of looks as well, which I've seen as a stylist, from a stylist point of view, I would say. Sadhi Manushka Sharma, she has to her own styling brand now, so it must be a challenge to do with Anushka. बिल्कुल भी नहीं. इन फैक्ट अनुष्का जब फिल्म पे काम करती हैं तो शी इज़ लाइक अ ब्लैंक कैनवस. शी कम्प्लीटली सरेंडर्स टू द डायरेक्टर, एंड आई वुड से द ब्रीफ कम्स फ्रॉम द डायरेक्टर. चाहे कपड़ा फटा हो, घिसा हो, नॉन ब्रांडेड हो, कैसा भी हो, आई थिंक अनुष्का विल जस्ट गेट इन टू द कैरेक्टर कम्प्लीटली. मैंने उनके साथ एक ही फिल्म की है सुल्तान, एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर. शी इज़ बीन अमेजिंग. इन फैक्ट वो एक ही बार पूछेंगे कि ठीक है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड देन यू नो इफ यू कन्विंस कि नहीं ये इतना फिटेड नहीं हो सकता, आपका कैरेक्टर नहीं है वैसा, आप इतना फिटेड कुछ नहीं पहनेंगी, वो एक सेकेंड में मान जाती हैं. दिशा पटनी, हु इज सेड टू बी द न्यू डीवा ऑफ द इंडस्ट्री, शी ऑलवेज स्टाइल सो हॉट. Of course, she's so hot. I don't think anybody notices her clothes because she's so beautiful and she's so gorgeous that people can't take their eyes off her face. So she's lovely as well. I don't have much to say on that. I just think she's gorgeous. Okay, you just give her and she just pull it out. I think again, she can pull off everything and anything. So mostly we bring clothes that kind of fit her. You know. Body type, etc. But yeah, she's so gorgeous that she can pull off like anything. Wow, the list is so long. और मैं अगर सबके नाम लेती जाऊंगी तो पूरा दिन, पूरी रात, हफ्ते निकल जाएंगे, I guess. So lastly, what do you wanna say to all the audience? Just as I said to my message was, just follow your heart, follow your instinct of where you really want to be. What do you feel for? Just know what you feel for and follow your passion and you'll get exactly where you need to be. Great. So apne dil ki suniye aur dil se kaam kijiye. Hard work is also very important. Tabhi aap Lipakshi jaise pahunch sakte hain aur ban sakte hain ek celebrity stylist bhi. So aapko milwaya humne unse jinhone kai sare kalakaron ko style kiya hai, aur aise hi aapko milwate rahenge kisi na kisi khas personality se. Keep watching. Camera person Rajesh ke saath Shruti Barjatya, Mumbai, Aaj Tak.